गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और जैसे मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं करमवीर दिया आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, और आपसे यही इच्छा कि आप अपना प्यार बनाए रखें और समझते रहें हर चीज़ को। धीरे धीरे मैं हर कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज एक कंसेप्ट नंबर सिस्टम के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कंसेप्ट, एक कम या एक ज्यादा, सिर्फ इस कंसेप्ट पर डिपेंड होगा आपका आज का टॉपिक। एक कम और एक ज्यादा, एक क्वेश्चन इसका भी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, क्या है ये कि सपोज करें मैंने लिखा 13 बाई 7। क्या लिखा बेटे? 13 बाई 7। 13 को 7 से डिवाइड करना है। जब आप 13 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 1 पे गया, 6 बच गया। जो 6 है वही रिमाइंडर है। 6 है वो क्या है बेटे? आपका रिमाइंडर, राइट। और 1 को क्या कहते हैं बेटे? कोशेंट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बेटे? डिविजर। और दिस विल इज डिविडेंड, राइट। तो कोई भी नंबर है, आप जब उसको डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 13 को 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। व्हेन यू डिवाइड 13/7, आपका रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर 6 बचा, यही आपका आंसर होगा, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं यहां पर 47 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हैं, 47 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है 649 पर की कहां पर आएगा? इसके अप्रोक्सीमेट 6 7 जा 42, राइट। 6 7 जा 42, तो कितना रिमाइंडर बचा? 2 42, 5 रिमाइंडर बच गया। कितना बच गया बेटे? 5 रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा। 5 रिमाइंडर बच गया। 47 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 7 जा 42, कितना रिमाइंडर बच गया? 5। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इतने सिंपल नहीं आएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे मैं एक स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा आपको। एक रिजल्ट याद रखना आपको, एक कम या एक ज्यादा, एक कम या एक ज्यादा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा मैंने 84 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाई 83। बहुत ध्यान से देखना भाई, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 84 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाई 83, यदि मैं इसको 83 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर कितना आएगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक है बेटा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। बहुत ध्यान समझना है आपको कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। 84 है, इसको लिख दो आप कैसे, 83+1 लिख सकते हैं क्या? 83+1 ऑल रेज टू पावर 983, राइट, क्लियर। 83 से तो 83 कैंसिल हो गया, 83 से तो 83, यानी इसका रिमाइंडर में कोई इंटरफेयर नहीं है, राइट। 83 से तो 83 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 रेज टू पावर कितना है? 99, तो 1 रेज टू पावर 99, 1 रेज टू पावर 99 डिवाइड बाय व्हाट? 83। और 1 की पावर कितनी कर लो? 1 ही रहेगी, यही आपका रिमाइंडर होगा, यही आपका क्या होगा बेटे? रिमाइंडर, क्लियर, समझ आया। कोई भी नंबर है बेटे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 43 बाई 7। अब 43 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। यदि
43 को 8 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 43 को यदि 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो किसी भी कीमत में आप किसी से डिवाइड कर लो, यदि मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 8 तो रिमाइंडर नहीं बचेगा किसी भी कीमत पर, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो 1 बच गया, 1/83 है, तो 1 ही रिमाइंडर होगा, तो 1 ही रिमाइंडर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दोबारा फिर देख लीजिए बेटा, 84 raised to power 99 डिवाइड बाय 83 ऐसा क्वेश्चन है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 84 को ब्रेक कर लेना है 83+1 में, डिवाइड बाय 83, 83 से 83 कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई योगदान नहीं, काम खत्म। तो 1 raised to power 99 डिवाइड बाय 83, 1 की पावर 99, 1 की पावर कितने कर लो, 1 ही आएगी, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, राइट। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने इसको लाइक करें वीडियो को और अपना कमेंट प्रेस करें, सर हमें समझ में आ गया है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखता हूं, 2 raised to power 63 डिवाइड बाई 9, 2 raised to power 63 डिवाइड बाई 9, 2 raised to power 63 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक चीज आप समझते जाना, धीरे 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 आप अपर लेवल को समझ पाएंगे। 2 raised to power 63, अब यहां पर 9 है तो कम से कम मैं यहां पर 8 तो बना ही सकता हूं, कैसे? 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 होल रेस्ट टू पावर 21, भाई यहां पर 63 है, 3 raised to power 21, देखो चेक करो, 21 63 21 3 63, राइट। 2 raised to power 3 होल रेस्ट टू पावर 28 डिवाइड बाई 9, एंड नेक्स्ट लाइन 2 raised to power 3 इज 8, 8 raised to power 21 डिवाइड बाय 9, नेक्स्ट स्टेप में 8 को अपने लिख दिया 9 minus 1 raised to power 21 डिवाइड बाय 9, एनी डाउट? यहां तक समझ आया? दोबारा फिर सीखें भाई, ये लिखा हुआ था बेटे 2 raised to power 63, मैंने इसके नियर अबाउट चेक करना है कि 9 डिवाइड 9 से करना है, तो 8 आ रहा है मेरा 2 raised to power 3 होल रेस्ट टू पावर 21 करके, और 2 raised to power 3 क्या होता है, 8, 8 raised to power 21 डिवाइड बाय 9। अब जो 8 है वो किसके नियर अबाउट है, 9 minus 1 के, इसको मैं लिखता हूं 9 minus 1 raised to power 29, तो 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया भाई, क्या बचा बेटे, -1 raised to power 21 डिवाइड बाय 9, -1 raised to power, और जब माइनस वन की पावर ओड होती है, याद रखो भाई, माइनस वन की पावर यदि ओड होती है तो आपका आंसर माइनस में ही आता है, -1 यानी माइनस कोई भी क्वांटिटी हो, और यदि इसकी पावर यदि इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, यह बात ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, नेगेटिव की पावर यदि ओड है तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव की पावर यदि इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, राइट। चलिए बेटा, तो यहां पर आपका माइनस वन की पावर की ओड है यहां पर, तो माइनस वन ही आंसर आ गया। अब आप ये माइनस वन, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है, लेकिन बेटा नहीं, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपका अगला काम क्या होगा, इस जो माइनस वन आया है इसमें जिस क्वांटिटी से आप क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं वो ऐड कर दें, वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर, दिस विल बी योर आंसर। दोबारा फिर समझे बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन था 2 raised to power 63 डिवाइड 9, यदि 2 raised to power 63 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो मैंने क्या किया बेटे, 2 raised to power 3 होल रेस्ट टू पावर 21 लिख दिया, और 2 raised to power 3 8 होता है, 8 raised to power 21 डिवाइड बाय 9, अब 8 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि मेरा 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 minus 1 raised to power 21, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 raised to power 21 by 9, माइनस वन की पावर ओड है तो माइनस वन माइनस में आएगा, लेकिन रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपने क्या करना है, ऐड करना है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर बेटे, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धीरे धीरे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार टाइम लग सकता है, उसके बाद आपका टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, सपोज करें 257
क्वेश्चन लिख दिया मैंने 257 रेज टू पावर 1018 डिवाइड बाय 64, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन 257 रेज टू पावर 1018 डिवाइड बाय 64। थोड़ा सा अपना माइंड यूज जरूर करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, राइट। और जब ये फंडा समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन जरूर होगा और टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बचेगा आपका। कब बचेगा? जब आप ये ट्रिक्स यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर आपको नीचे 64 है, तो प्यारे बच्चों यदि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ये 64 into 4 कितना होता है? 256। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 256, लेकिन ये 257 तो प्लस 1 लिख दिया, ऑल रेज टू पावर 1018 डिवाइड बाय 64। मेरी बात समझ में आएगी बेटा? ये बात समझ में आई? दोबारा फिर देखें, क्वेश्चन था 257, नीचे 64, तो मुझे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो चीज कैंसिल हो जाए। तो 257 को मैंने लिख दिया 64 into 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 64। अब इस 64 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा ना भाई। 64 को 64 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा, यानी इसका कोई योगदान नहीं। तो क्या बचेगा आपके पास? 1 रेज टू पावर कितना बच गया? 1018 डिवाइड बाय कितना है? 64। 1 की पावर कितने कर लो? 1 ही रहेगा, तो दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में रिमाइंडर फॉर्म का कि इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या आता है। सपोज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके आगे, 181 रेज टू पावर 753 डिवाइड बाय 182। कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप जल्दी से बता देंगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों बोलिए, बोलिए मेरे बच्चों, यहां पर क्या है? 182, यहां पर क्या है? 181। तो क्या लिख दूंगा इसको मैं? 182 माइनस 1 लिख सकता क्या? ओलरेज टू पावर 753 डिवाइड बाई कितना आ गया? 182। अब 182 से वैलेंस कैंसिल हो गया तो माइनस 1 रेज टू पावर कितना रह गया आपके पास? 753 डिवाइड बाई 182। अब प्यारे बच्चों जब माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस 1 ही आंसर बताया था मैंने आपको, बताया था ना, माइनस 1 की पावर ओड आती तो माइनस 1 ही आएगा, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको कि इसको सोल्व करने के लिए माइनस 1 में जो भी आया है उसको, जो रिमाइंड जो किसी को डिवाइड कर रहे थे जिससे, उसको हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 181। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 181। क्वेश्चन दोबारा देखें, 181 रेज टू पावर 753 अपॉन 182 से आपको डिवाइड करना था। आपने 181 को आपने क्या लिखा? 182 माइनस 1 रेज टू पावर 753 अपॉन 182, राइट। 182 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 बच गया। माइनस 1 की पावर कितनी बची? 753। तो माइनस 1 की पावर ओड बची, माइनस 1 की पावर ओड होती तो माइनस में तो आएगा, डिवाइड बाई 182। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं नेगेटिव आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? नेगेटिव। रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं आता, तो मैंने क्या बताया आपको? जो रिमाइंडर नेगेटिव आया तो उसमें इसको जो आपका डिविजर है उससे आप क्या कर दोगे? उसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? समझ आ गया है? चलिए खुश, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरी गुड। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताएं कि यहां पर ऐसे प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 raised to power 101 डिवाइड बाय 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 7 raised to power 101 डिवाइड बाय 48। 7 raised to power 101 डिवाइड बाय 48, यदि मुझे इसका रिमाइंडर निकालना पड़ जाए 7 की पावर 101 तो 48 से डिवाइड करो तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, कैसे कम टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है? प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा इसको, यहां पर 48 है तो 49 तो बना सकता हूं, 7 raised to power 2 है ना, और raised to power 50, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, 50 to the 100 into 7 डिवाइड बाई 48। फिर समझो इस बात को, मैंने क्या किया यहां पर 7 raised to power 101 है तो क्या मैं इसको 7 raised to power 100
इंटू सेवन लिख सकता हूं, पहले ये बताओ भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना भाई, सेवन रेस टू पावर, दोबारा और बिल्कुल आराम से तरीके समझा रहा हूं, सेवन रेस टू पावर 100 प्लस 1 लिख सकता हूं, अब ये बताओ लिख सकता हूं, उसके बाद 7 रेस टू पावर 100 प्लस 7 रेस टू पावर 1 ऐसे भी लिख सकता हूं। अब 7 रेस टू पावर 100 है तो 100 के यानी 2 रेस टू पावर 50 भी लिख सकते हैं प्लस 7 रेस टू पावर 1। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है वो उनके लिए, बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं है वो ऐसे देख ले, नहीं तो समझा दिया मैंने अच्छी तरह से। 2 रेस टू पावर कितना हो गया 50, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 7 रेस टू पावर 2 और रेस टू पावर 50 इंटू 7। तो नेक्स्ट लाइन में बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, याद रखना सेम बेस, बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई करते हैं बेटर रिजल्ट्स होते हैं हमारे। एक्स रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर एन, यदि ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर आपकी बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई के केस में वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, याद रखना एक्स रेस टू पावर एम डिवाइड बाई एक्स रेस टू पावर एन, ये पहला रूल। ये दूसरा रूल, एक्स रेस टू पावर एम डिवाइड बाई एक्स रेस टू पावर एन, जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तब पावर क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं और डिवीजन, डिवीजन करते समय क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट होती हैं। थर्ड रूल होता है एक्स रेस टू पावर एम होल रेस टू पावर एन, तो कितनी पावर बढ़ जाए तो उनकी पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स रेस टू पावर क्या हो जाती है एम एन, याद रखना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर लिखा हुआ है 7 रेस टू पावर 2, 7 रेस टू पावर 2 हो गया 49, 49 रेस टू पावर 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 48। नेक्स्ट लाइन यहां पर 49 है, 49 को क्या लिख दिया बेटे मैंने 48 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या, ये जल्दी से बताओ मेरे को क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या बात ये समझ में आई 49 को मैंने कहा एक कम है 48 प्लस 1 लिख दिया डिवाइड और रेस टू पावर 50 इंटू 7, इस 48 से ये 48 कैंसिल हो जाएगा, अब 1 की पावर 50 तो 1 ही होता है, 1 की पावर 50 तो 1 ही होता है और 1 इंटू 7 अपॉन 48, अरे 7 बाई 48, तो रिमाइंडर कितना बच गया 7 बच गया, क्या बच गया 7 बच गया। भी प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझे 7 रेस टू पावर 101 डिवाइड बाय 48, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि यहां पर इसको थोड़ा चेंज करना, आपको माइंड यूज करना है, 7 रेस टू पावर 101 को 7 रेस टू पावर 2 इंटू 50 इंटू 7 रेस टू पावर 1 लिख देंगे, 7 रेस टू पावर 2 49 होता है, 49 की पावर 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 48, यहां पर 49 है, 49 को क्या लिख दिया 48 प्लस 1 लिख दिया, 49 को क्या लिख दिया 48 प्लस 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 48, 48 से 48 कैंसिल हो गया तो 1 की पावर 50 तो 1 ही रह गया, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 7 7 7 बाई 48, तो रिमाइंडर आपका क्या बच गया 7। क्लियर समझ आएगा बच्चे अच्छी तरह से, राइट बेटे। नहीं समझ में आए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनली फोन करके पूछ भी सकते हैं कि कोई भी बात कोई क्वेरी आपकी नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं अब आगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, 2 रेस टू 237 रेस टू पावर 344 डिवाइड बाय 118, ये क्वेश्चन ले लिया 237 ओवर रेस टू पावर 344 डिवाइड बाय 118, मुझे इसको इससे डिवाइड करना तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपको पहले बताया आपको क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि 237 है तो 237 कैसे आ सकता है, 118 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं तो प्यारे बच्चों क्या 237 आ सकता है भाई। देखो ना 118 टू जा कितना होता है 236 और 236 में 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 237 डिवाइड बाय क्या लिख दिया मैंने 118, तो जब 100 से 18 को डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका तो कोई योगदान नहीं ना, तो क्या बचा आपके पास 1 की पावर इवन है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर इवन है तो 1 ही रहेगा, वो अपॉन में 118 तो रिमाइंडर आपका क्या आया 1, तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ जा रहा होगा, और देखें क्वेश्चन
17 रेज टू पावर 400, बहुत ध्यान से देखना भाई, 17 रेज टू पावर 400 डिवाइड बाय 18, 17 रेज टू पावर 400 डिवाइड बाय 18 जब मैं करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 रेज टू पावर 400, माइंड यूज करना है, माइंड यूज करना, जैसे और टेक्निक्स बताई है उन क्वेश्चंस में ऐसे यूज करना, और कोई अलग चीज नहीं है। 17 है, 17 को लो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे बेटे, 18 माइनस 1 रेज टू पावर कितना 400 डिवाइड बाय 18, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका किसी बच्चे को, राइट, 18 माइनस 1 रेज टू पावर 400 डिवाइड बाय 18, इस 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 की पावर कितनी 400, तो माइनस 1 की पावर इवन है, और तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, यही आपका आंसर होगा, राइट, क्लियर बेटा, चलिए शाबाश, वेरी गुड, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय, जय श्री रवड़ी मां, आप सभी का उद्धार करें, सभी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सीखें, सभी बच्चे क्वेश्चंस निकालें, बार बार ध्यान दें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके पास, 97 रेज टू पावर 97 डिवाइड बाई 32, 97 को 97 की पावर 97 है, उसको आपने 32 से डिवाइड करना है, उसको आपने 32 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना कितना बचेगा, रिमाइंडर बताना प्यारे बच्चों कितना बचेगा। तो मैंने आपकी आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है, तो ये 97 तो ऐसे आ सकता है कि 32 की मैं 2 से 3 से मल्टीप्लाई करूं, 96 में 1 ऐड कर दिया, 97 रेज टू पावर 97 डिवाइड बाई 32, क्या यहां पर किसी बच्चे को दिक्कत बेटे, 97 था, 97 को क्या लिखा, 32 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 32 3 का कितना होता है 96, 96 में 1 ऐड किया 97, अब 32 से मैं इसको कटूंगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 की पावर कितना 97 डिवाइड बाय 32, तो 1 ही तो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, क्लियर प्यारे बच्चों, आ गया समझ अच्छी तरह से, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन की तरफ, 3 रेज टू पावर 19 डिवाइड बाई 82, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3 रेज टू पावर 19 डिवाइड बाई 82, ठीक है, कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हमारा माइंड यूज कर सकते हैं भाई, 82 है नीचे, ऊपर देखो 3 है तो कहीं ना कहीं 81 जरूर आएगा, यदि आपको थोड़ा सा माइंड या मैथ यूज करना आता है, तो 3 रेज टू पावर 4 यदि कर दूं, 3 रेज टू पावर 4 81 होता है, याद रखो भाई, ब्रेक कर रहा हूं, 3 रेज टू पावर 4 4 4 जा 16 और 19 होना चाहिए, तो 3 की पावर 3 और लिख दिया, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, 3 रेज टू पावर 19 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत आ गई आपको, 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 भाई 4 4 जा 16 16 और 3 19 डिवाइड बाई कितना है प्यारे बच्चों 82, नेक्स्ट लाइन में ये 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81 रेज टू पावर 4 इंटू 3 3 27 अपॉन 82, नेक्स्ट लाइन में 81 को मैंने क्या लिख दिया 82 माइनस 1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाय 82, क्वेश्चन सॉल्व, 82 से ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 की पावर इवन और इवन ही होती है, तो 1 इंटू 27 इज 27, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, दोबारा फिर देखें, 3 रेज टू पावर 19 है अपॉन 82 है, तो 3 रेज टू पावर 19 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 रेज टू पावर 4 इज टू 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 82, 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है 81, 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है 81, रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 इज 27 डिवाइड बाय 82, अब 81 की पावर 4 है, नीचे 82 है, तो 82 माइनस 1 लिख सकता हूं, 82 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 27 डिवाइड बाय 82, इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 की पावर इवन 1 होती है, 1 इंटू 27 इज 27 बाई 82, तो 27 ही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा, राइट, चलिए बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे लगे रहे शाबाश बेटे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, 37 रेज टू पावर 38 डिवाइड बाई 7, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 raised to power 38 डिवाइड बाई 7। यस वेरी गुड भाई, शाबाश। बताएं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लाइक जरूर करते रहें वीडियो को, यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, डिसलाइक कर दो। यदि आपको कोई मजा नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करें, मुश्किल चीज नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में जरूर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप SSC में हो, CGSL में हो, CGL में हो, ITBP में हो, रेलवे पुलिस में हो, रेलवे NTPC में हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 37 raised to power 38 divided by 7। बाकी कुछ बच्चे सजेशन भी दे सकते हैं, मैंने YouTube चैनल मेरा अलग पहले से ही है, मैं 11th 12th क्लास को ही टीच कर रहा हूँ। अभी मैंने कंपटीशन को स्टार्ट किया है, तो कोई भी चीज आपको लग रहा है कि मुझे और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं पर्सनली। तो 37 raised to power 38 divided by 7, तो क्या करूंगा प्यारे बच्चों, क्या करूंगा, यहां नीचे क्या है, 7, क्या है 7, तो 7 की टेबल देखो ना, कहां से कुछ करता है, 35 होता है। अरे कर लो भाई, 35 + 2 नहीं लिख सकते क्या प्यारे बच्चों, अरे 32 नहीं लिख सकते क्या, 35 + 2 raised to power 38/7 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई, 7 से 35 तो कैंसिल हो गया पक्का, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो क्या बचा आपके पास, 2 raised to power 38, बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से, 2 raised to power 38 divided by 7 2 raised to power 38 divided by 7। अब आपने क्या करना है, वही काम ऐसा भी आपने किया हुआ है, 2 raised to power 8 बनाएंगे नीचे, तो 2 raised to power 3 और कितना बचेगा भाई, 12 3 36 और 2 8 12 3 36 और 2 raised to power 2 12 3 36 और 2 38 डिवाइड बाई 7। अब 2 raised to power 3 8, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 8 raised to power 12 into 2 raised to power 2 डिवाइड बाई 7। क्या समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे, मैंने कहा था 0 से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, तो अभी देखा क्वेश्चन दोबारा, फिर देखो क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, 37 raised to power 38 divided by 7 आपको निकालना था, तो 37 को मैंने क्या लिखा, 35 + 2 raised to power 38 divided by 7। नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ये तो कैंसिल हो गया, 2 raised to power 38 divided by 7। अब 2 raised to power 38 बनाने के लिए यहां पर मुझे 8 बनाना पड़ेगा, तो 2 raised to power 3 की पावर 12 into 2 raised to power 2 divided by 7। तो 2 raised to power 3 कितना आया, 8, 8 raised to power 12 into 2 raised to power 2 divided by 7। अब 8 को हम क्या लिखूंगा, 7 + 1 raised to power 12 और 2 2 4 by 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 1 की पावर 12 1 होता है, 1 into 4 divided by 7, तो 4 आपका रिमाइंडर बच गया, 4 आपका क्या आएगा आंसर, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। जब आप इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिफ्टी फाइव रेस टू पावर सिक्सटीन डिवाइड बाई सेवनटीन। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटे। बेटे 55 को 51 प्लस 4 लिख सकता हूं, पहले ये बताओ। हां सर लिख सकते हैं, यही तो बताओगे आप, लिख सकते हैं सर। 17 3 51 तो 0 बच गया, तो अब आपके पास क्या बचा, 4 raised to power 16 divided by 17 बचा, तो रिमाइंडर तो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता ना, ये बात तो आपको क्लियर है। तो अब यहां पर इसको मैं और क्या कर सकता हूं, 4 raised to power 2 raised to power 8 तो लिख सकता हूं भाई,
भाई 4 raised to power 16 को 4 raised to power 2 इंटू 8 तो लिख सकता हूं, तो 4 raised to power 2 कितना होता है 16, 16 raised to power 8 डिवाइड बाय 17। नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा इसको, 17 minus 1 raised to power 8 डिवाइड बाय 17 लिख दूंगा, 17 से 17 कैंसिल हो गया, माइनस 1 raised to power कितना आ गया 8 डिवाइड बाय 17, तो माइनस 1 की पावर इवन आ गई, तो यही आपका आंसर होगा, माइनस यानी 1 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, 55 raised to power 16 डिवाइड बाय 7 था, 17 था, 17 की टेबल में मुझे पता है 51 आता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 55 को 51 प्लस 4 में डिवाइड बाय 17, 17 की टेबल में 51 आता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका कोई योगदान नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। 4 raised to power 16 डिवाइड बाई 17, 4 raised to power 16 तो 2 raised to power 8 यानी 16 बनाना है मेरे को, 4 raised to power 2 16 होता है, पावर 8 16 को क्या लिख दिया मैंने 17 माइनस 1 raised to power 8 बाई 17, 17 से ये 17 भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 की पावर 8 डिवाइड बाई 7, 17 और माइनस 1 की पावर 8 पॉजिटिव होते, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूं 5 raised to power 500 डिवाइड बाय 500, यस नया कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा एक, आप बताएंगे 5 raised to power 500 upon 500 यदि आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो बेटे प्यारे बच्चों, इसको मैंने लिख दिया 5 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 497, 497 और 3 500 डिवाइड बाई, अब क्या हो गया सर ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि इसको देख करके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 500, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 125 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 500, और नेक्स्ट लाइन में 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to power 497 डिवाइड बाय 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई 4, ओके दोबारा फिर देखें बेटे, 500 को मैंने क्या लिख दिया 125 into 4 लिख सकता हूं, और 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है, इसलिए मैंने इसको भी 5 raised to power 3 के अंदर ब्रेक किया है। अब इसमें नई बात क्या है, आप 5 raised to power 3 से 5 raised to power 3 कट कर दोगे ना, यानी 5 raised to power 3 कितना होता है 125 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ओके अब आपके पास क्या बचा 5 raised to power 497 डिवाइड बाय 4, ओके तो अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, वही जो पहले वाला कंसेप्ट आपको बताया है 4 plus 1 raised to power 497 डिवाइड बाई 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर कितने कर लो बेटे 1 ही रहेगी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1, आपका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए ना, लेकिन 1 नहीं आएगा यहां पर हम, और ऑप्शन में भी मिलेंगे आपको ए बी सी डी जो ऑप्शन मिलेंगे ना उसमें एक ऑप्शन मिल सकता है 1 लिखा मिलेगा और आप उसको जल्दी से टिक कराओगे, लेकिन वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वो गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, अभी उसमें क्या करना है जिस 125 से आपने इसको डिवाइड किया था ना उस 125 से आपको इससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर होगा, दिस विल बी योर आंसर, जिस 125 से आपने इसको कैंसिल आउट किया था उस 125 से आपने क्या करना है डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, जब आपका आंसर आएगा। और क्लियर करता हूं बेटे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं अभी समझ में नहीं आएगा, एक बात और बताता हूं, सपोज करो बड़ी तरफ ध्यान दिया भाई, यहां पर यहां मैंने लिखा है 25, क्या लिखा है भाई 25, इसको मैंने 15 से डिवाइड करना है, 25 को 15 से डिवाइड करना, रिमाइंडर बताना रिमाइंडर कितना होगा, नहीं समझ में भाई 25 को 15 से डिवाइड करके बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा, पहले क्या करोगे हम सर 5 से नहीं काट दें इसको, 5 3 5 5 काट दिया, अब क्या रह गया 5/3, और 5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना 3 1 3 5 में से 3 का 2 तो रिमाइंडर 2 आ गया,
बात समझ आई भाई? क्या किया मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड करने के बाद जो आया, साफ करके दोबारा बना देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने लिखा कि 25 को 15 से डिवाइड करना है, तो मैंने पहले इसको काट दिया, 5 3 जा एंड 5 5 जा। अब जब मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 का 2, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 2। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो आपका आंसर 2 लिख क्या हो गया आप तो। लेकिन चेक करो बेटे, क्या 25 को 15 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर वही आता है, 15 1 जा 15, और ये तो 10, ये तो 10 रिमाइंडर आ गया बेटे। रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, और लेकिन आप तो क्या लगा रहे हो, 2। तो गलत हो गया क्वेश्चन, गलत हो गया ना। उसी को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि यहां पर आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस नंबर से काट रहे हो, 5 से कर रहे हैं, 5 से आपने यहां पर क्या किया, डिवाइड, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिमाइंडर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 10। यही इसका एक लॉजिक था, यही आपको इस क्वेश्चन के लिए समझना था। पिछले क्वेश्चन में 5 रेज़ टू पावर 3 से मैंने ऊपर नीचे काटा, तो 5 रेज़ टू पावर 3 कितना था, 125 से मैंने डिवाइड किया, तो 125 से मैंने क्या करना पड़ा, उसको मल्टीप्लाई। वीडियो को बैक करके आप पॉज करके उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी, 9 रेज़ टू पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8। 9 रेज़ टू पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8, इसको यदि मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों से पता लग गया आपको कि 9 को लिख सकता हूं 8 प्लस 1, रेज टू पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8। इस 8 का कोई योगदान नहीं, काम खत्म। 1 की पावर 6 1 होता है, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 8, 1 माइनस 11 डिवाइड बाई 8, और 1 में से 10 11 गया, 10 बच गया, 10 बाई 8, 10 बाई क्या बच गया, 8। और 10 किस में है, माइनस में, तो माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं ना बेटे, माइनस के अंदर तो रिमाइंडर होता नहीं ना। ये तो मैंने बताया था कि माइनस के अंदर रिमाइंडर नहीं होता, तो माइनस के अंदर रिमाइंडर नहीं होता, तो रिमाइंड इसके अंदर मुझे क्या ये वाला ऐड करना होता है, मैंने बताया। तो माइनस 10 में 8 ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई 8। फिर आपका क्या, देखो डिनोमिनेटर जब भी रिमाइंडर, देखो यहां पर इस कंडीशन दोबारा फिर देखो, 9 को 8 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6 माइनस 11 बाई 8 लिख दिया, 8 से 8 कैंसिल होगा, 1 रेज़ टू पावर 6, 1 रेज़ टू पावर 6 इज 1, 1 माइनस 11 बाई 8, 1 में से 11 गया -10, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया था रिमाइंडर यदि माइनस में है तो उस क्वेश्चन जिसे आपने डिवाइड किया उसको आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, एड करना होता है, -10 में वो 8 एड करना होता है तो -2 आएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, अब 10 ऊपर ज्यादा, 8 कम है 10 ज्यादा है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी डिविजन, जो रिमाइंडर जो हो कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होता, पता ना आप सभी को, डिविजर से बड़ा नहीं होता कभी भी। तो यहां 8 आ गया, अब मैंने फिर क्या किया, 8 ऐड कर दिया तो -2 बाई 8 रह गया, क्या रह गया, -2 बाई 8। अब रिमाइंडर कितना आ गया, -2 लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो -2 में मैंने क्या ऐड करना पड़ेगा, 8, तो आपका आंसर क्या आया, 6, यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम्स, रिमाइंडर के कंसेप्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर, इसकी पीडीएफ बना करके मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूंगा कि वो अभी डल जाए आप, ताकि आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें। राइट, क्लियर है बेटे? फिर उसके बाद हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करें, कल से नया कंसेप्ट होगा जो आपका होगा वो परसेंटेज का होगा। परसेंटेज एक ऐसा कंसेप्ट जो हर जितने भी अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स में परसेंटेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं परसेंटेज वाला कंसेप्ट पहले कराना चाहूँगा।
क्योंकि कई बच्चों की आई थी क्वेरी कि उनका पेपर नज़दीक आ गया है, अभी हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है 3 अगस्त के महीने में होना है, तो अगस्त के महीने तक मैं उनके कुछ सिलेबस पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं परसेंटेज का चैप्टर आपको कल की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखें, करें, समझें, नहीं समझ में आए तो आपके पास मेरा नंबर, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।